हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कदम में। आज हम बात करेंगे स्केबीज के बारे में। स्केबीज बहुत ज़्यादा होने वाली बीमारी है। देखिए, स्केबीज होता क्या है? स्केबीज एक ऐसा रोग है जो एक से दूसरे में आराम से फैलता है। स्केबीज से अगर पूरे घर का एक सदस्य इससे पीड़ित है तो ये पूरे घर में आराम से फैल जाता है। तो इसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हम जब पता कैसे करेंगे स्केबीज होता कैसे है? देखिए, स्केबीज की सबसे जो मेन चीज़ है, स्केबीज में आपके जो फिंगर्स हैं यहाँ पर उंगलियों के बीच में, यहाँ पर एलर्जी पड़ेगी। यहाँ पर एलर्जी आपके पेट पर एलर्जी हो जाएगी, टांगों के आसपास एलर्जी हो जाएगी, ये रेडनेस होगी और छोटे छोटे वाइट से दाने आपके निकलने लगेंगे, उनमें पानी निकलेगा, तो समझ लीजिए वो स्केबीज है। तो दोस्तों, इसका इलाज कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को आपको जल्दी पता चल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि इसके बीज का ट्रीटमेंट हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इसके बीज में एक तो आपको लोशन लेना है एलाइज, इसको आपको पूरे शरीर पर लगाना है, गर्दन से नीचे नीचे। आप ऊपर सिर पे मत लगाइए और उसके नीचे पूरे शरीर पर रात को सोते टाइम एलाइज लोशन लगा लीजिए और सुबह उठकर आराम से नहा लीजिए। देखिए इसके बाद, और आपको मेडिसिन कौन सी लेनी है? आपको मेडिसिन लेनी है एक बर्मेक्ट 12 में। इसके साथ साथ आप लेंगे लीकोप एम दोनों टेबलेट। ये आप एक बार हफ्ते में एक बार खाएंगे। ये आपको रोज रात को खानी है एक गोली, ठीक है दोस्तों? ये आपको लेनी है बर्मेक्ट और लीकोपेम। अगर बच्चा छोटा है तो आप जैसे 10 साल से छोटा है थोड़ा, तो आप ये 6 ले लें 6 mg में, और लीकोपेम आधी टेबलेट खिलाएं, ठीक है दोस्तों? ये आपको ये खानी है, ये हफ्ते में एक बार खानी है और ये आपको रोज रात को खानी है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो मोंटेलुकास्ट, लिवोसिट्रिजिन एंड टीहाइड क्लोराइड, ये स्कैंडल साल्ट होता है। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं। लीकोप एम नाम से लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरी टेबलेट भी ले सकते हैं, मैनकाइंड की आती है, वो भी आप खाएं। बात करते हैं ये लोशन दिखते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों? एलाइज लोशन, एलाइज नाम है लोशन का, आप एलाइज ले लें या दूसरा ले लें। देखिए लोशन की बात करें तो जैसे ये नोवा कैलामाइन एलाइज मिले तो वो और अच्छा है, एलाइज भी इस्तेमाल करें। इसके अंदर देखिए कैलिनामाइन और जिंक ऑक्साइड, एलोवेरा, पराफिन लोशन, ये आपको गर्दन से नीचे नीचे लगाना है और पूरे पूरे शरीर पर लगाना है। अगर ऐसी रहने दें बर्मेक्ट, ये टेबलेट है बर्मेक्ट 6, ये बच्चों के लिए है बर्मेक्ट 6। आप बर्मेक्ट बड़े हैं तो आप बर्मेक्ट 12 खाएं, हफ्ते में एक बार खानी है। और लीकोप एम या मैनकाइंड की जो आपको मिले वो खाएं, इससे आपकी स्केबीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सावधानी आपको ये करना है, अगर किसी को घर में स्केबीज है तो सदस्य के आप कपड़े, तौलिया, हर चीज़ उसकी अलग कर दें। उनके कपड़े गर्म पानी में धुलवाने चाहिए, पानी इतना गर्म हो कि अगर मक्खी गिर जाए तो वो मर जाए। तो आपके बिस्तर उस्तर हैं जो धोने के नहीं हैं, उन्हें आप धूप में सुखा लें अच्छी तरीके से, और साफ सफाई का ध्यान दें, फिनाइल की रोज पोंछा ओछा लगाएं, और किसी को है तो उससे दूर रहें। एकदम नहीं फैलता है, कुछ टाइम बाद जैसे आप हाथ मिलाते हैं, जैसे आपने हाथ मिलाया तो ठीक है, अगर आप होल्ड करके रखे आप काफ़ी टाइम तक, तो उससे ये बीमारी आपके अंदर फैल सकती है और जिससे पूरे घर में इसके भी इसकी बीमारी हो सकती है। इससे हर हर कोई इसकी जद में आ सकता है, चाहे वो छोटे तबके का हो या बड़े तबके का। अगर बड़े तबके का है तो अगर आया रख रखी है आपने, अगर उसको बाई चांस इसके बीज है तो उससे बच्चे को लगेगी, बच्चे से फिर पूरे घर में फैल जाएगी। तो दोस्तों ये इसका इसके बीज का बहुत अच्छा इलाज है। तो आप ये एलाइज लोशन, बर्मेक्ट और लीकोप एम, आपकी जो इसके बीज है ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, और इसका हर किसी को इलाज कराएं। किसी को अगर थोड़ी सी भी रह गई तो पूरे घर में दोबारा फैल सकती है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो आपके सामने और लाता रहूँगा। ये इसके भी इसके बारे में, आगे हम बताएंगे दादों के बारे में। अगर किसी के टांगों के नीचे मोटे मोटे दाने बन जाते हैं तो उसका इलाज कैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।